إن الحمد لله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أو كما قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أو كما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما تغازع عبد لله إلا رفعه الله أو كما قال اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر ایک بار پھر ترس کھایا, ہمارے اوپر رحم کھایا, اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ہمیں برکتوں والا, رحمتوں والا, بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والا مقدس مہینہ رمضان کی صورت میں عطا کیا. یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے.
अल्लाह की तारीफात हमें हर वक्त करते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर एहसान ये है कि उन्होंने हमें जिंदगी गुजारने का ढंग, तरीका, सलीका बतलाया। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना हमारे ऊपर फ़र्ज है, लाजिम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से दुखों और गमों का मुदावा होता है, दुख परेशानियां ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र इस सूरत में करना चाहिए कि हम अल्लाह के फरमा बरदार बंदे बन जाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी ये है कि हम उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलना शुरू कर दें। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने सूरह फुरकान में बिल्कुल आखिरी रकू है, एक बाउंड्री लाइन खींच दी है। इस बाउंड्री लाइन का मकसद ये है कि लोगों को पता चल जाए कि रहमान के बंदे कौन हैं और शैतान के बंदे कौन हैं। अल्लाह ने सबको पैदा किया है, शैतान को भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, लेकिन जिस बंदे के अंदर अबदियत की सिफात नहीं होंगी वो ज़ाहरी तौर पर तो अल्लाह का ही बंदा है, चाहे वो वक्त का फिरौन ही क्यों ना हो, चाहे वो सबसे पहला तकब्बुर करने वाला मुतकब्बिर सरकश इबलीस और शैतान ही क्यों ना हो, पैदा तो उसको भी अल्लाह ही ने किया है, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ये जो लाइन खींची है और रहमान के बंदे, इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारा आज का जो मौजू है वो समझ में आ जाएगा। आपने कल भी यकीनन आज के मौजू के हवाले से समात फरमाया होगा और अभी भी हमारे भाई ऐलान फरमा रहे थे कि जो हमारा मौजू है, जो आज का हमारा टॉपिक और अनवान है, वो है झुकने वालों ने रिफ़ातें पाईं। सादा इसका मतलब ये है कि जो इंसान झुक जाता है, जिस इंसान के अंदर तवाज़ु आ जाती है, जिस बंदे में आजजी इनकिसारी आ जाती है, जिस बंदे के दिल में अपने खालिक और मालिक का डर पैदा हो जाता है, वो इंसान दुनिया और आखिरत में बुलंद मुकाम हासिल कर लेता है।
इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि और रहमान के बंदे व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे, ये जो लफ्ज़ है, ये जो जुमला है, ये बड़ा काबले गौर काबले तवज्जो है कि अल्लाह ने जब ये कहा कि और रहमान के बंदे, और इसके बाद अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने इन बंदों की सिफात गिनवाई हैं। अल्लाह का ये कहना इस बात का सबूत है कि कायनात में मौजूद तमाम के तमाम इंसान जो इंसानी शक्ल में हैं वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं। अल्लाह के बंदे कुछ मखसूस किस्म के लोग हैं, एक ख़ास ग्रोह है जो अल्लाह के बंदे हैं, जो रहमान के बंदे हैं। अगर उनके अंदर लफ्ज़े अब्द जो है उसके जो सारे मानी हैं, जो उसका मफहूम बनता है, अगर वो किसी इंसान में पाया जाता है तो वो इंसान अल्लाह का रहमान का बंदा है। अगर उसमें वो वस्फ, वो औसाफ, वो सिफात, वो क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती तो फिर वो अल्लाह का रहमान का बंदा कहलवाने का हकदार नहीं है। मैं इशारतन कह देता हूँ कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अब्द का एक मतलब ग़ुलाम बयान किया सूरतुल बकरा की आयत नंबर 221 में। इसी तरह अब्द का एक माना अल्लाह सुबहानहु व तआला ने सूरा अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 56 में 56 नंबर आयत में जो अब्द का माना बयान किया है वो है बंदगी। और इस मुकाम पर जो सूरा फुरकान की आयत नंबर 63 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, व इबादुर रहमान, या इसका माना बंदा इस्तेमाल किया है। अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि जिस इंसान में गुलामी वाला वस्फ हो, गुलामी वाली सिफ्त हो, यानी वो अपने मालिक और अपने आका के हुक्म का पाबंद हो और अपने आका और अपने मालिक की हर बात को मानता हो, और उसका जब हुक्म आए तो उस हुक्म पर लब्बैक कह दे, और जब उसके हुक्म पे लब्बैक कहता है तो फिर वो वही करता है जो उसका मालिक उसका आका कहता है। अब उसका मालिक और आका कहता क्या है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नो इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए इबादत के लिए पैदा किया है। जब मेरे और आपके अंदर गुलामी वाला माना पाया जाएगा, गुलामी वाली सिफ्त हमारे अंदर आ जाएगी, तो फिर हम अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी करते हुए उस एक वाहदहू ला शरीक के सामने झुक जाएंगे, उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, तो हम क्या हैं, अल्लाह की बंदगी में लग गए। जब इंसान में गुलामी भी आ जाए, जब इंसान के अंदर बंदगी वाली सिफ्त भी आ जाए तो इसी का नाम है बंदा। और जिसमें ये क्वालिटीज़, ये खूबियाँ, ये औसाफ, ये वस्फ आ जाते हैं उसके बारे में अल्लाह कहते हैं व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे। अब आगे चल के अल्लाह कहते हैं الذين يمشون على الارض هونا, रहमान के बंदों की ये सिफत खास है कि वो आजजी इनके सारी के साथ चलते हैं
और ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलते, तकब्बुर नहीं करते, गुरूर नहीं करते, फ़ख्र नहीं करते और अपनी आना का मसला नहीं बनाते, गरीबों को हकीर नहीं समझते। जब अल्लाह नेमतें देता है तो उसका क्रेडिट अपनी तरफ नहीं लेके आते, बल्कि वो कहते हैं माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो इस काबिल ही नहीं था, मेरे पास तो हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, मेरे पास सलाहियतें नहीं थी, ये सब कुछ जो अता किया है ये फकत मेरे अल्लाह ने मुझे अता किया है। आजजी इनकिसारी और झुकना। आगाज में मैंने एक आयत पढ़ी थी सूरा अल बकरा की आयत नंबर 45 और 46 भी साथ पढ़ी थी। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला कहते हैं वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, और जब तुम्हें मुश्किल आती है, परेशानी आती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है तो क्या करो, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला की मदद चाहते हो, अल्लाह का साथ चाहते हो, अल्लाह की हेल्प चाहते हो, अल्लाह की तरफ से नुसरत चाहते हो, अल्लाह की ताईद चाहते हो, तो फिर तुम्हारे लिए अल्लाह का हुक्म ये है कि तुमने सब्र करना है। मुश्किल आ जाना, परेशानी आ जाना, मुसीबत का आ जाना ये बड़ी बात नहीं, असल चीज़ ये है कि मुश्किल के वक़्त इस्तेकामत इख्तियार करना, सब्र करना और उस पे कायम रहना और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखना। एक तो काम ये करना है वस्सला और दूसरा नमाज पढ़नी है। फिर अल्लाह कहते हैं व इन्नहा लकबीरा, और बेशक हा ये जो काम अल्लाह कह रहे हैं, लकबीरा का माना लाम ताकीद का है और यकीनन का माना देता है, यकीनन बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बड़ी जुरत वाला काम है कि मुश्किल के अंदर डट जाना, परेशानी के अंदर घबराना ना, ये बड़ा जुरत का काम है, हिम्मत का काम है। और फिर अल्लाह कहते हैं इल्ला अलल खाशीन, खाशा का मतलब होता है झुक जाना, झुकने वाले आजिज बंदे, और खाशा का माना अल्लाह की हैबत को सामने रख के अल्लाह के डर और खौफ को, उसकी खशियत को दिल में पैदा करने का नाम खाशा है। यानी जब इंसान अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है, उसका झुकाव सिर्फ एक अल्लाह की तरफ होता है, तो फिर ना तो उसको मुश्किल में मुश्किल नजर आती है, ना उसको परेशानी में परेशानी नजर आती है, और ना नमाज पढ़ना उसको मुश्किल लगता है, क्योंकि वो तो हर वक्त अल्लाह के सामने झुकने वाला है। इल्ला अलल खाशीन, जो झुकने वाले हैं अल्लाह के सामने, जो झुकने वाले हैं अपने खालिक के सामने, जो झुकने वाले हैं अपने रहमान के सामने, अपने रब के सामने, उनके लिए नमाज पढ़ना भी मुश्किल नहीं है, उनके लिए मुश्किल में सब्र करना भी मुश्किल नहीं है। असल चीज़ ये है कि इंसान का झुकाव किस तरफ है। अगर उसका झुकाव अपने खालिक और मालिक की तरफ होगा तो फिर वो हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपने अल्लाह को ही याद करेगा। सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 3 में भी अल्लाह सुबहाना, बल्कि 2 में अल्लाह सुबहाना व ताला ने भी यही बात की, फरमाया कद अफलहल मोमिनून, मोमिन फलाह पा गए, कामयाब हो गए। कामयाबी क्या है कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राजी कर लिया, दुनिया में रहते हुए अल्लाह की फरमा बरदारी कर ली, दुनिया में रहते हुए अल्लाह के सामने झुक गए। अल्लाह कहते हैं कल क़यामत के दिन यही लोग कामयाब होंगे। और आगे अल्लाह कहते हैं कौन से लोग, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू खुजू आजजी इनकिसारी और झुकाव रखते हैं,
अल्लाह सुबहानहु व ताला इनके लिए ऐलान फरमा रहा है कि ये लोग कामयाब हो गए हैं। ये सादा सादा मतलब मैं बता रहा हूं कि आजजी इनके सारी कहते किसे हैं, झुकना कहते किसे हैं। हम दुनिया में जो भी काम शरीयत के दायरा में रहकर करेंगे उसमें गोया एक झुकाव नजर आएगा और एक रुजू नजर आएगा और एक ताल्लुक नजर आएगा, और वो ताल्लुक हमारा जुड़ता है अल्लाह के साथ। और इसीलिए अल्लाह कहते हैं व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे। सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत तक अकेले अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमा बरदार रहे, मती रहे, उसकी इताअत करते रहे, उसके सामने झुकते रहे। इधर अल्लाह का हुक्म आता है, उधर कह देते हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म आ गया, मैं झुक गया। इज काल लहु रब्बहु अस्लिम काल अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन। ये आज का मुसलमान नहीं है कि जो कहता है आज नहीं कल से, कल नहीं परसों से, बुराई छोड़ने का कह दो, कहता है चलो कल से छोड़ दूंगा, कोई और गलत काम छोड़ने का कह दो कल से छोड़ दूंगा, नमाज पढ़ने की बारी आएगी कहेगा कल से शुरू करूंगा। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के बंदों की सिफात नहीं है, ये रहमान के बंदों की खूबी नहीं है। रहमान के बंदे तो वो होते हैं, इधर अल्लाह का हुक्म आता है और उधर गर्दन कटवाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखो, जब बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, अब तू बता कि तेरा क्या ख्याल है, मशवरा क्या है, कहने लगे या अबतिफ़अल मा तुमर, ए मेरे अब्बा जान, आपने जो देखा सच देखा है, आर्डर अल्लाह का आया है, हुक्म अल्लाह का आया है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो फिर ईमान वाले चूंके चुनाचे नहीं करते, फिर ईमान वाले हेर फेर नहीं करते, फिर अल्फाज के साथ नहीं खेलते, बस जिधर अल्लाह का हुक्म आ जाता है उधर ही अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नहल की आयत नंबर 120 में फरमाया इन्ना इब्राहीम, यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना उम्मतन कानितल लिल्लाह, वो एक उम्मत है। और कानिता, कानिता के दो मतलब हैं, एक है इताअत फरमाबरदारी झुक जाना और अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये खूबी थी कि जब भी अल्लाह का हुक्म आता था सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आप को सरेंडर कर देते थे। मुफस्सरीन ने लिखा है, मशहूर मुफस्सिर हजरत मुजाहिद रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्मत कहा है, इसका मतलब भाइयों ये है, जरा गौर कीजिए, कि जो बहुत बड़ा ग्रोह मिल के नेकी के काम कर सकता है और एक पूरी कौम मिल के जो नेकियां कर सकती है, चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक मुद्दत तक ईमान लाने वाले कोई नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने कहा कि जितनी नेकियां दुनिया के मुख्तलिफ लोग मिलके एक ग्रोह और एक पूरा इज्तिमा इकट्ठा होता है और वो नेकी का काम, खैर का काम, भलाई का काम, अल्लाह की फरमा बरदारी का काम करते हैं, अल्लाह कहते हैं सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले ने वो काम कर दिया। इसलिए अल्लाह ने इस जगह पे कहा
काना उम्मा के सैयदुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जात में अकेले ही उम्मत थे, कानितल्लिल्लाह अल्लाह के सामने झुकने वाले थे। अल्लाह के सामने जब झुक गए तो मेरे रब ने जो मुकाम दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ये है वो रिफत, ये है वो बुलंदी, ये है वो मुकाम। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। जब इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है तो फिर अल्लाह उसको छोड़ नहीं देता। फिर अल्लाह जब दुनिया के सारे लोग उस बंदे के ऊपर नजरें जमा के बैठे होते हैं जो सोच रहे होते हैं, जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं कि बस अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाएगा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल के राख बन जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा, अर्श वाला रब कहता है तुम्हारी तो भूल है। इब्राहिम मेरे सामने झुक गया, उसने मेरे सामने अपने आप को कुर्बान कर दिया, मेरी तौहीद के लिए मारे खाली, मेरी तौहीद के लिए अपने बाप के ताने सुन लिए, तो ये कैसे हो सकता है जो मेरे लिए झुके मैं उसको बुलंद ना करूं। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको क्या करता है, बुलंद करता है। झुकने वालों ने रिफतें पाई, जो झुका नहीं है वो तबाह हो गया। सबसे पहले जिसने झुकने से इनकार किया वो शैतान था, इबलीस था। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सूरतुल बकरा के आगाज में जब अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया तो अल्लाह ने इसको कहा कि मेरे बनाए हुए बंदे को सजदा करो। असल में आदम को सजदा थोड़ा था, वो तो अल्लाह का हुक्म था, हुक्म तो अल्लाह का मानना था, लेकिन इसने अपने आप को सरेंडर करने से रोक लिया। इसने झुकाव की तरफ जाने की बजाय अकड़ना पसंद किया, तकब्बर को पसंद किया। अल्लाह ने धुतकार के इसको निकाल दिया और ऐलान कर दिया कि ये जहन्नम में जाएगा। और ये तकब्बुर की सिफत जो जो बंदा अपने अंदर लेके आएगा, जिस तरह ये शैतान जहन्नम में जाएगा वो मुतकब्बिर शख्स भी जहन्नम में जाएगा। सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को कहा कि अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो। उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया बल्कि आगे से एक जुमला बोला, काला आना रब्बुकुमुल आला। सूरह अन्नाज़ियात के अंदर फरमाया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तू कौन से रब की बात करता है, सबसे बड़ा आला अरफा रब तो मैं हूं। भाइयों कई बार आपने ये वाकया सुना है, फिर अल्लाह ने जब पानी के अंदर इसको डुबकियां लगवाई ना तो फिर अकल ठिकाने आती है। लेकिन उस वक्त जो हम पंजाबी में कहते ना कि पानी सिर तो गुजर गया, अब पानी सर से गुजर चुका था। कारून को देख लो, खजानों का मालिक है, माल दिया है, क्या होना चाहिए था, अल्लाह का शुक्र करता। लेकिन उसने कहा ये तो सब मैंने अपने इलम से खजाना इकट्ठा किया है, माल इकट्ठा किया है, ये नौकर चाकर, ये बंगले, ये खजाना, ये सब कुछ मेरे इलम की बदौलत है, इसमें अल्लाह का क्या कमाल है। लेकिन मेरे रब ने इस अकड़ने वाले मुतकब्बर इंसान को, नशुक्र इंसान को पकड़ा और ज़मीन के अंदर दंसा दिया। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत तक ये ज़मीन में दंसता ही जाएगा। झुक जाता तो बुलंदी पा जाता, झुक जाता तो मुकाम पा जाता, झुका नहीं तो पस्ती पस्ती पस्ती
और क़यामत तक ये नीचे जा रहा है। जितना इसको गुरूर था, जितना इसको मान था अपने माल के ऊपर, खजाने के ऊपर, अपनी फौज के ऊपर, अपने लश्कर के ऊपर और अपने बंगलों के ऊपर, वो अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने इसका तकब्बुर ऐसा खाक में मलाया कि क़यामत तक ये ज़मीन में धंसता जाएगा। और कल रोज़े क़यामत को अल्लाह चियोंटी की जिसामत दे के जहन्नम में दाखिल कर देगा। दूसरी आम बात, पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर आजजी, इनकिसारी, इतात, फर्मा बरदारी, झुकाव हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। सिर्फ एक रमज़ान का महीना नहीं कि हम रमज़ान में नमाज़ें पढ़ें, रमज़ान में रोज़े रखें, कुरान की तिलावत करें, वाज़ो नसीहत सुनें सुनाएं और दीन की बातें कर लें, गाने छोड़ दें, गालियां छोड़ दें, झूठ छोड़ दें और रमज़ान गुजर जाए, नमाज़ें भी गई और सदका खैरात भी गया और फिर गालियां ज़ुबान पे, झूठ पे, झूठ ज़ुबान के ऊपर, कम तोलना, कम मापना और वादा की खिलाफ वर्जी, अमानत में खयानत और धोखा, मिलावट, सारी की सारी जो अखलाकी बुराइयां हैं वो हमारे अंदर फिर आ जाएं, इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के सामने झुके ही नहीं। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितल लिल्लाह, मतलब ये है कि कोई ऐसा मौका नहीं है जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा के लिए भी कहा हो कि अल्लाह थोड़ा सा मौका दे दे, अल्लाह ये बेटा मैंने दुआएं कर कर के लिया है, दुआएं मांग मांग के ये बेटा बुढ़ापे में लिया है, अल्लाह ठीक है तेरा आर्डर आ गया है, ठीक है तेरा हुक्म आ गया है, लेकिन अल्लाह चंद दिन मैं इसको देख लूं, इसका बोसा किनार कर लूं, अल्लाह इसको थोड़ा सा गोद में ले लूं, थोड़े से प्यार इसके साथ कर लूं, अल्लाह थोड़ा सा टाइम दे दे, छोड़ आऊंगा। नहीं, हुक्म आता है, एक लम्हा की ताखीर नहीं की, जो बेटा बहुत ज़्यादा दुआएं कर कर के अल्लाह से लिया था उस बेटे को भी एक वीरान इलाके में छोड़ के आ जाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं इन्ना इब्राहीम काना उम्मता, कि वो एक उम्मा, वो एक उम्मत थी, कानितल लिल्लाह, जो हर एतबार से अल्लाह के लिए झुकने वाले थे। झुकाव की एक दूसरी शक्ल ये है, दूसरी अहम बात, कि जो नेमतें अल्लाह हमें देता है हमें उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब अल्लाह की तरफ से आने वाली नेमतों पे हम शुक्र करते हैं तो हमारे अंदर से तकब्बुर का खात्मा होता है, अना का खात्मा होता है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अल्लाह का फजल है, ये मेरे अल्लाह की रहमत है, तो फिर किसी सूरत भी शैतान का दाव नहीं लगता। शैतान मायूस हो जाता है कि इसने तो क्रेडिट अल्लाह को दे दिया, इसको तो यह कहना चाहिए था कि यह मेरा कमाल है, यह मेरी महारत है, यह मेरा हुनर है, यह मेरी डिग्री का कमाल है, यह मेरे डिप्लोमे का कमाल है, यह मेरी वजारत का कमाल है, यह मेरी सदारत का कमाल है, यह मेरे कह लो कि हर मामले के अंदर माहिर होने का कमाल है, इसने तो यह कहना था। लेकिन सब कुछ हासिल कर लेने के बाद, डिग्री ले लेने के बाद, ओहदा ले लेने के बाद, माल हासिल कर लेने के बाद, इसने एक ही लफ्ज कहा है, ऐ अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, ये सब कुछ तेरा ही तो है। ये है झुकाओ। दो छोटे छोटे वाक्य आपके सामने रखता हूं। सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम, सूरह नमल में मशहूर वाक्या है, कई बार आपने समात फरमाया है, घर से निकले पानी तलब करने के लिए, बारिश मांगने के लिए, और रास्ते में क्या देखते हैं कि चींटियां अपनी बिल्लों से बाहर आई हुई हैं और अल्लाह से पानी मांग रही हैं। इतने में एक चींटी ने कहा कि जल्दी जल्दी अपनी बिल्लों में घुस जाओ, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
और उनका लश्कर आ रहा है, कहीं लाशऊरी तौर पे तुम्हें रौंद ना डाले। ये आवाज़ सैयदोना सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनते हैं। अल्लाह का मोजज़ा था कि वो हर चीज़ की आवाज़ सुन सकते थे, समझ सकते थे, बातें कर सकते थे। कुरान कहता है फ़तबस्समा ज़ाहिका, जब सैयदोना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चौंटी की आवाज़ सुनी, हल्का सा मुस्कराए, फिर खुल के हंसते हैं और फौरन ख्याल आता है कहीं तकब्बुर ना आ जाए, कहीं गुरूर ना आ जाए, कहीं शैतान अपना काम करके चला ना जाए। काला रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैश व अला वालिदश व अन अमला सालिहा तरज़ाहू व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन। ए अल्लाह, ये जो चोंटी की आवाज मैंने आज सुनी है, अल्लाह इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ए अल्लाह, ये कमाल तेरा है, ये आवाज तूने सुनाई है, ये नेमत तूने अता की है, ये मोजज़ा तूने दिया है। अल्लाह जब नेमत तू देता है, अल्लाह जब तू नेमतें देता है, फिर मेरे ऊपर लाजम है कि मैं तेरा शुक्र भी तो करूं। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैश। ऐ अल्लाह, जो नेमत तूने मुझे अता की, मेरे वालदेन को अता की, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं तेरा बंदा और झुकने वाला बन जाऊं, आजजी इनकी सारी मेरे अंदर आ जाए, अल्लाह मैं तेरा शुक्र गुजार बंदा बन जाऊं, कहीं मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए। वह अनअमला सालिहा, अल्लाह मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे। इस जुमले के अंदर एक अहम बात नोट कर लेना कि शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि शुक्र एक अमल का नाम है। हम जुबानी फैक्ट्री का मालिक है, सुनाओ क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदा आती है, अपनी सीट छोड़ के नमाज पढ़ने नहीं जाता, इसका ये जुबानी शुक्र भी अल्लाह को कबूल नहीं है। बेनमाज दिन रात कहता रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, बेनमाज का ये जुबानी शुक्र अल्लाह को कबूल नहीं है। इसलिए सैयदोना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र भी करूं, अल्लाह मैं शुक्र वाले आमाल भी करूं जिससे तू खुश हो जाए। और आखिरी जुमला बड़ा कमाल का है, वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन। अल्लाहु अकबर, वक्त के बहुत बड़े हुक्मरान भी हैं, अल्लाह ने मोजज़ा क्या दिया कि चोंटी की आवाज भी सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर देना। या नुक्ते की बात यह है कि हम तो दो चार नेकियां करके कहते हैं, मेरे से बड़ा आलिम कोई नहीं, मेरे से बड़ा मुबल्ले कोई नहीं, मेरे से बड़ा स्कॉलर कोई नहीं, मेरे से अच्छा कारी कोई नहीं, मेरे से अच्छा हाफिज कोई नहीं, मेरे से अच्छा गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा नेकियां करने वाला कोई नहीं, मेरे से ज्यादा नमाजें पढ़ने वाला कोई नहीं, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूं, इशराक भी पढ़ता हूं, पांच नमाजें भी पढ़ता हूं, सदका खैरात भी करता हूं, हर साल हज भी करता हूं, रमजान में उमरा भी करता हूं, जिहाद भी करता हूं, तबलीग के प्रोग्राम भी करवाता हूं, मेरे से बेहतर कौन हो सकता है। जरा सोचिए, उस वक्त सैयदोना सुलेमान अली सलातो सलाम से रुवे जमीन पर कोई बेहतर है तो मुझे बता दो। लेकिन वो अल्लाह को कहते हैं, ये आजजी है, ये झुकाव है, अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। जब बंदा ये ख्वाहिश करता है ना, ये ख्वाहिश, ये आरजू करता है कि अल्लाह फलां बंदा बड़ा तेरा नेक बंदा है, अल्लाह मुझे भी उस जैसा बना दे, अल्लाह को बड़ा ये जुमला पसंद आता है।
बड़ा ये जुमला पसंद आता है, अल्लाह हमारी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, हमारी मस्जिद के जो कारी साहब हैं, अल्लाह हमारे मोहल्ले का जो फलां बुज़ुर्ग है, अल्लाह वो बड़ा नेक है, उसकी नज़रों में हया है, अल्लाह तेरे से डरने वाला है, अल्लाह ये क्वालिटीज़ ये खूबियाँ मेरे अंदर भी पैदा कर दे। फिर देखें अल्लाह हमारी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली लाता है, कैसे अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बदलता है। कायनात के इमाम, मदीने के ताजदार आमना के लाल अलैहिस्सलाम रात को लंबा क़याम करते हैं, बड़ी मरूफ रवायत है सही बुखारी के अंदर, और पांव सूज जाते हैं, हत्ता फत्तारा, उनके पांव सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते, कादा माहू, आपके कदम रात को तहज्जुद पढ़ने की वजह से, क़याम करने की वजह से स्वेल हो जाते हैं। मोमनों की माँ सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, आप इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं, आपके तो कोई गुनाह भी नहीं है, अल्लाह ने आपके लिए मुआफ़ी का ऐलान कर रखा है। कायनात के महबूब नबी अलैहिस्सलाम नमूना छोड़ के जा रहे हैं मेरे लिए और आपके लिए। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शुकूरा। ऐ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बन जाऊं, जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, नबियों का सरदार बनाया, और सैयदुल अंबिया सैयदुल रुसल खातमुन नबीशीन बनाया, शाफे माशर बनाया, साकिये हौजे कौसर बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भी मुकाम दिया, आखरत में भी मुकाम का वादा किया, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं, इसमें मेरा क्या कमाल है, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए खड़ा होता हूं। तीसरी बात यह है कि अगर हम झुकना चाहते हैं ना, तो अल्लाह के बंदों से प्यार करो, और अल्लाह के बंदों में खासकर जो गरीब हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, अमीरों से सारे ताल्लुक जोड़ते हैं, गरीबों से कोई नहीं जोड़ता। कुरान कहता है, अगर आप सूरह अल-काहफ की आयत नंबर 28 को पढ़ें, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 52 को पढ़ें, अल्लाह सुबहाना व ताला कहते हैं, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुछ सहाबा के पास बैठे हैं, सही मुस्लिम की रवायत है, हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला नो कहते हैं, मैं था, हज़रत बिलाल थे, हुज़ैल कबीले का एक शख्स था, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु ताला नो थे, और दो लोग और थे, कुल हम 6 लोग बैठे थे। मुशरिकीन ने मक्का आए, कहने लगे, ये फटे पुराने कपड़ों वाले जो लोग आपके पास बैठे हैं ना, हम आपके पास तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनको उठा ना दो, इन गरीबों को उठा ना दो, ये हमारी शान के खिलाफ है, ये हमारे मुकाम के खिलाफ है, ये हमारी चुदराट के खिलाफ है, ये हमारे मनसब के खिलाफ है, और ये हमारी शख्सियत के खिलाफ है कि इन गरीबों के साथ हम बैठें। रब ने कुरान नाजिल करके कहा, ऐ मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम, कुफार की बातों में नहीं आ जाना, कुफार के पीछे नहीं चल पड़ना, इनकी बात नहीं माननी, आपको मैं आपका रब हुक्म देता हूं, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन, ये जो गरीब लोग हैं, अल्लाह को याद करते हैं, हर वक्त चाहते हैं हमारा अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, लिहाजा आपको मैं हुक्म देता हूं, आपने इनको मजलस से नहीं उठाना। कोई चौधरी आके बैठता है बैठ जाए, नहीं बैठता तो गरीबों के साथ ही रहना है, गरीबों के साथ रहना है, गरीबों को मजलस से उठाना नहीं है, गरीबों के साथ ताल्लुक, गरीबों के साथ दोस्ती। सूरह अल-काहफ के अंदर आगे अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है, दो लोगों का, एक अमीर है, दो बागात का मालिक है, एक गरीब है, अमीर अपने बागात को देख रहा है और गरीब को ताने दे रहा है, बातें कर रहा है, मैं इज्जत वाला, मैं मुकाम वाला, मैं मर्तबे वाला,
और गरीब आगे से कहता है अकफरत बिल्लजी खलकका मिन तुराब सुम्मा मिन नुतफा सुम्मा सव्वा का रजुला। अल्लाह के बंदे, उस अल्लाह की नशुक्री करता है, उस अल्लाह के साथ कुफर करता है, आखिर तकबर किस बात का? उस अल्लाह ने तो तुम्हें मट्टी से पैदा किया, एक नुतफे से पैदा किया और तुझे बंदा बना दिया, इंसान बना दिया, और आज उसी अल्लाह के साथ कुफर करता है। अल्लाह अकबर। गोया के गरीबों का साथ हमें देना चाहिए, उनकी मजलिस में बैठना चाहिए, अपनी मजलिस में उनको बैठाना चाहिए। दावत करें, अफ्तारियां करते हैं तो अफ्तारियों में गरीबों को भी दावत दिया करें। अमीरों को सारे बुला लेते हैं, गरीबों को कोई नहीं बुलाता। ये भी एक तकब्बुर है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी कल्बिही मिसकालु ज़र्रतिन मिन क़िबर, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हुआ जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबी खड़ा हुआ, कहने लगा अल्लाह के रसूल, एक आदमी पसंद करता है अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, क्या बनेगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन हिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। जुमला आखिरी बड़ा अहम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल किब्रु बतरुल हक वगमतुन नास, असल में तकब्बुर की डेफिनेशन, तकब्बुर की तारीफ ये है कि हक आए उसको जुटला दो, हक आए इनकार कर दो, हक आए सरेंडर ना करो, उसके सामने अकड़ जाओ। और जो गरीब है ना, गरीब उनको हकीर जानो, ये तकब्बुर है। अल्लाह के बंदो, पांच वक्त की नमाज पढ़ के सफे अव्वल में खड़े होके तकबीरा में नमाज पढ़ के अगर फिर भी हमारे अंदर तकब्बुर है, हमारे अंदर गुरूर है, तो भाइयों फिर हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। ये तकब्बुर है, और तकब्बुर राई के दाने के बराबर भी हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आखिरी बात सुन ली और बात को खत्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को हुक्म दिया है वल काज़िमीना वगैस वल आफीना अनिन नास, झुकाव की एक किस्म ये है कि इसका ताल्लुक बंदों के साथ है। सख्तियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लोगों की तरफ से परेशानियां आती हैं, तो आपका काम है झुकाओ झुकाओ झुक जाओ। जब तुम झुकते जाओगे अर्श वाला रब तुम्हारे मुकाम को बुलंद करता है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, गुस्सा भी जाते हैं, ये मुत्तकीन की सिफात है। रोजा हमें तकवा सिखाने के लिए आया है, मुत्तकीन की ये सिफात है, गुस्सा भी जाते हैं, लोगों को मुआफ कर देते हैं, दर गुजर फरमाते हैं। मैंने आगाज में सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ी थी, उसका आखिरी जुमला आखिर में बताऊंगा। पहले दो तीन छोटी छोटी बातें ज़हन में रखें कि सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों ने क्या कुछ नहीं किया। आज भाई आयत नंबर 91 और 92 को पढ़ लेना, आज भाई सामने खड़े हैं, तारफ हो चुका है, पहचान चुके हैं कि ये हमारा वही भाई है जिसको कुएं में फेंका था। जो अल्लाह के लिए झुक जाते हैं अल्लाह उनको क्या करता है, बुलंद कर देता है। झुकने वालों ने रिफते पाई। सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने झुक गए थे, अल्लाह ने उनको बुलंद कर दिया। भाई कहने लगे कालू तल्लाह तल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, लकद आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन। ऐ हमारे भाई सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर तरजीह दी है। माजी में गलती हमसे हुई, खता पर हम थे। अब जरा ये जुमला, आखिरी आखिरी बातें कर रहा हूं, ये अपने पल्ले बांध के ले जाना, ये बड़ी कीमती बातें हैं। आज भाई भाई का दुश्मन है, आज बाप बेटे का दुश्मन है, चचा भतीजे का, भतीजा चचे का दुश्मन है। वो अल्लाह के बंदो, दुनिया में क्या पड़ा है, दुनिया से लेके जाना ही क्या है, क्या अदावत कीना बुगज हसद लड़ाई झगड़ा ये लेके जाना है? झुक जाओ अल्लाह के लिए, कोई मुआफी मांगता है ना मांगे, जाओ उसको कह दो, दिल को खुला करो, अपने दिल के अंदर वुसत पैदा करो और दिल को फराह करो, जाके ऐलान कर दो
कि गलती तुम्हारी है और तकलीफ तुमने पहुंचाई है, मैं अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें मुआफ करता हूं। अगर फिर भी मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची है तो अल्लाह के लिए मुझे भी मुआफ कर देना। अब इन भाइयों ने सिर्फ इतना कहा है, गलती हमसे हुई, मुआफी नहीं मांगी, हाथ नहीं बांधे। कहने लगे सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम, काला ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन। आज तुम्हें मुलामत नहीं करूंगा, ताना नहीं दूंगा, वही हो ना जिन्होंने कुएं में फेंका था, नहीं कहूंगा, मलामत नहीं करूंगा, तुम्हें ताना नहीं दूंगा, बल्कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह तुम्हें मुआफ भी करेगा और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये है वो एक सिफ्त, ये है वो एक खूबी, ये है वुस्ते कल्बी, ये है झुकाव जो सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिखाया। और सुनन नसाई के अंदर इमाम नसाई ने नकल किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का फतह कर लेते हैं, मक्का फतह करने के बाद बैतुल्लाह के दरवाजों पे हाथ रखे हैं, बड़े बड़े सरदार बैतुल्लाह में छुपे हुए हैं, आप कहते हैं फारे मक्का आज बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। कहने लगे हमें उम्मीद है आप मुआफ कर देंगे। आपने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आप कह सकते हैं यूसुफ ने भाइयों को मुआफ किया था अलैहिस्सलाम, लेकिन यहां कायनात के इमाम नबी अलैहिस्सलाम किन को मुआफ करने जा रहे हैं? किसी ने पत्थर मारे हैं, किसी ने ताने दिए हैं, किसी ने गालियां दी है, मक्का से निकाला है, आज चाहते तो गिन गिन के बदले ले लेते, लेकिन बदला नहीं लिया। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, माजी में तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं तुम सबको मुआफ करता हूं। हम क्यों नहीं मुआफ करते? इससे भी बढ़ के अहम बात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नु की बेटी पे तोहमत लग गई, इल्जाम लग गया मोमनों की मां पर, अल्लाह ने सूरह नूर नाजिल कर दी। ये जुरत है मेरे और आपके अंदर, मेरी बेटी मेरी बहन के ऊपर कोई इल्जाम लगाए बच के जाएगा कैसे? हम तो उसका खून पी जाएंगे। अल्लाह की कसम ये मोमनों की सिफत नहीं है। हजरत अबू बकर को वक्ती गुस्सा आया, कसम उठाई आज के बाद अपने खालाजाद मिस्ता बिन असासा को खाने को कुछ नहीं दूंगा। रब ने कुरान नाजिल किया, सूरह नूर की आयत नंबर 22 नाजिल की, अल्लाह कहते हैं वला यातली उलिल फजली मिनकुम वसआ, जो तुम में से फजल वाले हैं और तुम में से वुसत वाले हैं वो कसमें क्यों उठाते हैं? क्या वो चाहते नहीं अल्लाह उनको मुआफ कर दे? सैयदुना अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने उसी वक्त मुआफ करके उनकी जो रोजाना की बुनियाद पर खिदमत करते थे, जो वजीफा था वो बहाल कर दिया, कसम का कफारा दे दिया। अल्लाह मैं तो पसंद करता हूं मैं लोगों को मुआफ करूं, अर्श वाला रब मुझे मुआफ करे। और जो हदीस थी वो आखिरी ये थी, अल्लाह का कुरान के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस पल्ले बांध के ले जाना। और मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं भाइयों, अगर किसी का भाई नाराज है, किसी का चचा नाराज है, किसी की फुफो नाराज है, खाला नाराज है, अल्लाह की रजा के लिए ये माह मुकद्दस है, अल्लाह की रजा के लिए मुआफी मांग लो, झुक जाओ झुक जाओ। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं आप झुकेंगे अर्श वाला रब आपकी इज्जत में अजाफा करेगा, आपके मुकाम को बुलंद करेगा। मैंने कसम ऐसे नहीं खाई क्योंकि कायनात के इमाम नबी अलैहिस्सलाम ने कसम खाई है। मैं तीन चीजों पे कसम खाता हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मां नकसत सादा का तुम मिम माल, सदका करने से माल कम नहीं होता। मैं कसम खाता हूं सदका करने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादहुल्लाहु अब्दन बिअफ्विन इल्ला इज़्ज़ा, अल्लाह जब कोई बंदा अल्लाह के बंदों को मुआफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत में अजाफा करता है। और आखिरी जुमला हमारे मौजू के साथ, वमा तवाज़अ अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर कहा है, कसम खाकर कहा है, कहा जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है,
जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। झुकने वालों ने रिफते पाई, झुकने वालों ने मुकाम पाया, झुकने वालों ने इज्जत पाई, झुकने वालों ने दुनिया और आखरत के अंदर कामयाबियां समेटी। जो अकड़ गए वो जहन्नम का ईंधन बन गए। ये रमजान हमें दर्स देता है, ये सबक देता है कि अपने अंदर आजजी पैदा करें, झुकाव पैदा करें, इनकिसारी पैदा करें, तकब्बुर को छोड़ दें, गुरूर को छोड़ दें, शैतान का कहना मानना छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह के सामने झुक जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व ताला मुझे और आपको सही मानों में किताब व सुन्नत की समझ अता फ़रमाए और किताब व सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।